उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर पहुंचे थे, यही वो कार्यक्रम स्थल था। यहाँ पर मुख्यमंत्री करीब एक घंटे तक रुके। मुख्यमंत्री को यहाँ पर 2 बजे आना था, लेकिन करीब 20 मिनट की देरी से मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल में पहुँचे। 2:18 में करीब मुख्यमंत्री जो मंच पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर 87 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 300 करोड़ से ज़्यादा की ये परियोजनाएँ और योजनाएँ थी जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। विभिन्न योजनाओं से 15 लाभार्थियों को लाभान्वित भी मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से किया है। वहीं मुख्यमंत्री यहां पर जब रुके तो उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर भी शाहजहांपुर वासियों से अपील की। उन्होंने कहा कि पहले यहां पर जो व्यवस्था थी नगर पालिका की व्यवस्था लागू थी, लेकिन 2018 में शाहजहांपुर को नगर निगम बनाया गया। अब पहली बार चुनाव होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर भेजे हैं, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर महापौर भी बनाएं। कुछ महिलाएँ यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो आज अपने संबोधन के दौरान जो बातें कही हैं, तो क्या लगता है कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जिन निकाय चुनाव में इसका? देखिए, कहते हैं कि जब साक्षात हमारे मुख्यमंत्री जी ही यहाँ पर आ गए हैं, वैसे तो उनके बतौर खन्ना जी हमारे यहाँ काफ़ी कुछ कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। शाहजहांपुर ही बदल गया है हमारा, समझ लीजिए कि नगर निगम से महान नगर हो गया है। तो अब योगी जी के आने से तो इतना बड़ा फर्क पड़ेगा कि जो इंसान को वो वादे दे रहे थे खन्ना जी, उन पे एक मोहर लग गई है, ये समझिए आप। महिला सशक्तिकरण की बात भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर के चौराहों पर CCTV कैमरे लगा दिए गए, अगर कोई भी चोर उचक्का महिलाओं या बालिकाओं के साथ में कोई छेड़खानी करता है, किसी तरीके की अभद्रता करता है, तो पुलिस उसको अगले चौराहे पर ठोक देगी। जी जी बिल्कुल, उन्होंने सच कहा है, ऐसा ही है। हमारा शाहजहांपुर, यहाँ पर हमारी सभी महिलाएं, माता बहनें सभी पूर्णतः सुरक्षित हैं, किसी का कोई कमेंट नहीं होता। पहले बहुत पूरा माहौल रहता था जब ये दूसरी सरकारें रहीं, महिलाएं बिल्कुल भी जो है बहुत डरती थीं, जरा सा शाम हुई कि कैसे निकलें, लोग कमेंट करेंगे। स्कूल के बाहर लड़के वगैरह खड़े रहते थे, गंदे जो है वो कमेंट करा करते थे, लेकिन जब से हमारी BJP सरकार आई है तब से हम सभी लोग बहुत सुरक्षित हैं, और इसके लिए हम अपने धन्यवाद देना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री जी, हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी पर हम सभी लोग बहुत अभिमान करते हैं, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जो बातें कह कर गए हैं, क्या लगता है उनका? सर, उनकी सारी बातें समाज के लिए सर अच्छी है, अस्थाई है, लेकिन कुछ नेता और भ्रष्टाचार जो अधिकारी हैं, ये लोग कुछ अपने अभिमान को दिखाने के वजह से कुछ गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं, उनका कोई समस्या का समाधान थाने द्वारा और अधिकारी द्वारा नहीं होने देते हैं, इससे लोग काफ़ी पीड़ित हैं सर। इसमें एक नहीं, कई लोगों का मेरे पास समस्या सर आया है, और मैं जब अपनी नहीं दूर कर पा रही हूँ तो कुछ गरीब जनताओं का मैं कैसे समाधान करवा पाऊँ? कहीं ना कहीं इनको एक टीस है कि न्याय भी नहीं लोगों को मिल पा रहा। कुछ पुरुष भी महिलाओं के अलावा मौजूद, उनसे बात करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार शाहजहांपुर में लाइए, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आह्वान आज मुख्यमंत्री यहाँ पर करके गए। पहली बार मेयर का चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। जी सर, मेयर का चुनाव जो होना जा रहा है, मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा, देश नहीं पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ का डंका बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया है, और जो कर योगी जी की सरकार में हो रहा है कभी सपने में लोगों ने नहीं, समाज का शोषण हो रहा, सारा बंद हो गया है। हमारी बहनें, माताएं, बहनें रोड पे खुलेआम जा रही, कोई शोषण नहीं हो रहा है, अत्याचार गुंडागर्दी समापन हो रहा है, और ये भाजपा के शासन में जो भी हो रहा है सब अच्छा ही काम हो रहा है देश के लिए, गरीब तबके के लिए, छोटा हो या बड़ा हो, सबके समाज के लिए पुरजोर काम हुआ। और शाहजहांपुर सरजमीन के हमारे माननीय सुरेश खन्ना जी मंत्री जी ने जो कार्य किया वो शायद आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा, और वो हम लोगों से अपने साकार कर रहे हैं, सारी सुविधाएं हम लोगों को मुहैया कराई जा रही है BJP की तरफ से। वही बात आप बताइए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेयर, पहला मेयर जो है शाहजहांपुर से चुनकर दीजिए, क्या भाजपा यहां से ये सीट जीत पाएगी? भाजपा विकास के मुद्दों पर जीत पाएगी, जैसा कि आज तक सभी लोग देखते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है, गुंडागर्दी पे अंकुश लगा है, गुंडे छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं कि हम किस बिल में घुस जाएं। आज विकास के मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव भाजपा जीतेगी। आप बताइए क्या कहना है? जी, भाजपा जीतेगी। मुख्यमंत्री ने जो हुंकार भरी है नगर निकाय चुनाव को लेकर, 3 नगर पालिका हैं जिले में, 8 नगर पंचायत है, मेयर का चुनाव पहली बार शाहजहांपुर में होने जा रहा है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? जी जरूर मिलेगा, BJP की सरकार बनेगी, है ना, विकास के मुद्दे पर बात हो रही है ना, तो गुंडागर्दी है नहीं शाहजहांपुर में भी, आप खुद देखिए कितनी तुर्क करी गई है, मतलब कोई भी जमीन डोरीडोस होती है तो भारतीय जनता पार्टी सबके सामने सच लाना चाहती है। कांग्रेस सही, समाजवादी सरकार रही, सब आपके सामने झूठ फैला रहे थे, और झूठ में जनता पागल हो रही थी,
अब हमारी सरकार है बीजेपी की सरकार, जिसने सबके सामने सच लाया है, कितने करोड़ों रुपए की गांव में लोग हैं जिनकी ज़मीन कब्जा ली गई, उनका मुक्त करवाना ज़रूरी है हम लोग का। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त माहौल दिया है, योजनाओं का लाभ जो है सीधे लोगों के खातों में पहुँच रहा है, जो भी लाभार्थी हैं सीधा खाते में लाभ उनको मिलता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम क्या बोलें इसके बारे में, ये बताइए बताइए अपनी मन की आपको बात क्या लगता है जो मुख्यमंत्री ने आज, खैर वो बताइए, नगर निकाय का चुनाव ऐसा है यहाँपुर में अभी तो मुख्यमंत्री लग रहा है जी, अब आगे तो सही लग रहा है, सही होगा, सही होगा, विकास हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है, विकास के काम, विकास के नाम से मुद्दे हो रही है, विकास होगा, यहाँ पे मेयर जो बनेगा भाजपा का ही बनेगा, कितना भी कोई भी सरकार कोई भी कुछ प्रयास कर ले, लेकिन कभी भी सक्षम हमारा भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई मेयर नहीं बनेगा। जो मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है उसको पूरा करेंगे, पूरा 100% पूरा होगा सर, यहाँ पे क्लियर पूरा होगा, मुझे पूरे हमें नहीं पूरी जनता सबको भरोसा है कि वास्तव जो वो कहते वो करते। आप बताइए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ से मेयर चुनकर दीजिए हमको, मेयर होगा उनका, मेयर होगा भाजपा का, तो जिस तरीके से लोगों से बात की हमने, लोगों का कहना है कि हम जो मुख्यमंत्री ने हमसे आह्वान किया है उस आह्वान को हम पूरा करेंगे, शाहजहांपुर से मेयर चुनने की बात जनता कह रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा था कि अभी तक डबल इंजन की सरकार है यूपी में, लेकिन अब वो ट्रिपल इंजन की सरकार की मांग कर रहे हैं, यानी कि नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा अपने प्रतिनिधि स्थापित करना चाहती है, उनको जिताना चाहती है। खैर अब देखना ये होगा, अभी तारीखों का ऐलान नगर निकाय की नहीं हो पाया है, लेकिन आरक्षण की सूची जारी हो गई है। शाहजहांपुर से सुमित सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।